ऋतिक रोशन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 2 दशक से ज्यादा समय हो गया और इस दौरान इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग व खास पहचान बनाई है। भले ही इन्हें अभिनय विरासत में मिली क्योंकि इनके पिता बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक रह चुके थे और बतौर लीड हीरो इनकी पहली फिल्म सन 2000 में कहो ना प्यार आती है। इस फिल्म में इनके किरदार की जमकर तारीफें हुई और यह फिल्म सुपर डुपर हिट भी साबित हुई। लेकिन अपनी पहली फिल्म के हिट हो जाने के बाद अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ क्या हुआ? कई सारे नामचीन कलाकार उनसे जलने तक लगे थे और इन नामचीन कलाकारों की तरफ डाले तो ये थे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और काजोल। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपने जरूर ऐसा नोटिस किया होगा कि कई सारे नामचीन कलाकार एक दूसरे की सक्सेस को देख के जलते हैं, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान और भी कई सारे नामचीन कलाकारों के नाम शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन को लेकर भी एक ऐसा समय था जब इनसे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेता जलने लग गए। दरअसल ये वाकया था सन 2001 का, जब सन 2001 में आई फिल्म करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम ने अपने सफलता के झंडे गाड़े थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन के साथ कई सारे ऐसे वाकया हुए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी खुशी कभी गम के रिलीज से पहले अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी थी और वो उस दौरान के सबसे चमकते हुए सुपरस्टारों में से एक थे। यही बड़ी वजह थी कि निर्माता निर्देशक करण जौहर भी ऋतिक रोशन को अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन ये बात अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को बिल्कुल भी नागवारा गुजरी। लीड किरदारों की तरफ डालें तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन के साथ एक अलग बर्ताव किया गया। कभी खुशी कभी कम में पर्दे पर तो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन असल में ये दोनों अभिनेता आपस में बातचीत भी नहीं किया करते थे और इस बात का खुलासा खुद करण जौहर ने किया था। करण जौहर ने अपनी किताब एन अनयूजुअल बॉय में इस फिल्म के सेट पर कोई वाक्यों का जिक्र किया था। करण जौहर अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दौरान मीडिया में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की जमकर तुलना होती थी। दरअसल ऋतिक रोशन ने सन 2000 में कहो ना प्यार से शानदार डेब्यू किया था। अमीषा पटेल संग उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित रही थी, वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान की बैक टू बैक 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। फिल्ममेकर के हिसाब से फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और काजोल भी ऋतिक रोशन से दूरी बनाकर रखते थे। काजोल शाहरुख खान की कितनी अच्छी दोस्त है ये तो सब जानते हैं, ऐसे में उन्होंने अपने दोस्त का साथ देते हुए ऋतिक से दूरी बना ली थी। हालांकि फिल्म के सेट पर केवल करण जौहर और करीना कपूर ही जो थी जो ऋतिक संग अच्छी खासी बॉन्डिंग शेयर करती थी। तो ऐसे में दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन की सफलता को देखते हुए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और जया बच्चन ने उनसे दूरी बना ली थी और उनसे सेट पर बातचीत भी नहीं किया करते थे। कभी खुशी गम में भले ही शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की अच्छी खासी बॉन्डिंग हमें देखने को मिली, लेकिन फिल्म के पर्दे के पीछे कुछ और ही माजरा था। वेल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ऋतिक रोशन ने भी कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करके खुद को बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्थापित कर ही लिया और आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। 2022 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म विक्रम वेधा आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि 2024 में रिलीज होने वाली फिल्म फाइटर को लेकर वो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इसके अलावा वो क्रिश 4 पर भी काम कर रहे हैं।